हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। कई बच्चों ने जो टेक्सटाइल से कर रहे हैं डिप्लोमा या बीटेक कर रहे हैं, उन बच्चों ने रिक्वायरमेंट दी थी कि टेक्सटाइल में कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको कम मिल रही हैं, और इस वजह से जो है वो कोई एक तरीका बताने के लिए कहा था या किस तरह से वो पढ़ाई करें और कहाँ कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, इस बारे में बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। पॉलिटेक्निक्स जो है वो कम संख्या में है जहाँ पर ये ब्रांच है, तो इसलिए भी बच्चों को और ज्यादा दिक्कत रहती है क्योंकि उन जैसे और बच्चे नहीं रहते ज्यादा, वो थोड़ा सा अपने आप को अकेला फील करते हैं। तो इन्हीं सब वजहों को देखते हुए मेरे घर के पास में ही मिस्टर पीएस कटियार रहते हैं, ये टेक्सटाइल से ही इन्होंने डिप्लोमा और बीटेक किया हुआ है। तो इस वजह से जो है मैंने कहा कि ना सर को बुलाया जाए और इन्हीं से बात करी जाए और देखा जाए कि किस तरह से आपके बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचा जा सकता है। और मैं बता दूं, सर ने जो है कई जगहों पर एज ए गेस्ट लेक्चरर भी पढ़ाया हुआ है टेक्सटाइल को। कुछ बच्चे शायद जानते भी होंगे, पहचान भी रहे होंगे सर को, तो कमेंट करके बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स। आइए सर से ही बात करते हैं, सर का पहले परिचय जान लेते हैं। सर आप बताएं कि अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपने कहां से मतलब टेक्सटाइल का डिप्लोमा या बीटेक वगैरह। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू मोस्ट वेलकम टू दिस साइट एट मिस्टर विवेक राठौर जी, and he has been kind enough to invite me for advising you people, you students. तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मैंने डिप्लोमा किया था from GCTI कानपुर, गवर्नमेंट सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर, और 1970 में डिप्लोमा किया था। डिप्लोमा करने के बाद में उस समय तो जॉब सिचुएशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, ख़राब नहीं थी जैसी कि आजकल चल रही है, लेकिन फिर भी हम लोगों का बैच था चार बच्चों का, जैसे आप लोगों का भी रहता होगा कि कुछ स्टूडेंट्स का आपस में काफ़ी जो तालमेल रहता है ना, कुछ बच्चों का ऐसे ग्रुप बन जाता है, तो इस तरह का हम लोगों का भी चार स्टूडेंट्स का था। हम लोग आपस में बहुत एकजुट रहते थे और हमेशा एक साथ ही आना जाना रहता था। तो थोड़ी सी कहानी हो जाएगी, लेकिन ये हम समझते हैं कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, थोड़ा सा मतलब अपनी हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं। तो पास आउट करने के बाद हम चारों लोग गए अहमदाबाद। उस समय हम लोग बहुत अपने को हाई एस्टीम समझते थे, हाई एस्टीम का मतलब ओवर एस्टिमेट करते थे। जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन हुआ हम लोग का पॉलिटेक्निक, उसमें डिप्लोमा में GCTI में, तो हम लोग ये समझते थे 3 साल के बाद जब हम पास आउट होएंगे तो हम सीधे जो है जनरल मैनेजर लग जाएंगे फैक्ट्री में। सेकेंड ईयर में आते आते और जो हम लोग के सीनियर्स आते थे तो वो लोग जब बताया करते थे वहाँ का पोजीशन हाल, तो फिर तब समझ में आया कि नहीं, हम लोग डिपार्टमेंट हेड तो लग ही जाएंगे। और जब फाइनल ईयर पास करके हम लोग निकले, तो उस समय जब इंडस्ट्री में हम लोग नौकरी के लिए सबसे पहले हम लोग अहमदाबाद गए थे, तो वहाँ पर ये हालत हुई कि नौकरी के लाले पड़ गए ढूंढने के लिए। तो हम लोग सुबह सुबह जो उस समय ये आपका फोटोकॉपी और ये सब सिस्टम नहीं था, अपना ये जो है टाइप से करवाते थे, ये अपना बायोडाटा रिज्यूम, और सीनियर्स को दे आते थे। तो 4-5 दिन हम लोग वहाँ पे अहमदाबाद में धक्के खाते रहे, फिर लौट के आ गए वापस, ये समझ लीजिए। तो काफ़ी एफर्ट्स के बाद में फिर खैर कोई कहीं लगा, कोई कहीं लगा, लग तो सभी जाते हैं, लेकिन एफर्ट्स बहुत करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा। अब उसमें क्या है कि हमारे टाइम में तो हम लोग की पढ़ाई भी ऐसी होती थी कि कोई भी पीरियड हम लोग का खाली नहीं जाता था। ऑल द स्टूडेंट्स चाहे जो भी हो, हम लोगों को पीरियड सारे अटेंड करने पड़ते थे और बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग वगैरह सब होती थी। अब तो वो है नहीं, आप लोग भी समझते होंगे कि क्या सिचुएशन है, है ना। अब हम लोग को तो विवेक सर भी जानते हैं और हम लोग साथ में जो है कॉपियों का वैल्यूएशन भी किया हुआ है हमने, तो वहाँ भी पोजीशन सबकी पता चलती है कि कहाँ क्या है। अब उसमें सारा दोष बच्चों का हम नहीं देंगे, ना सारा दोष टीचर्स का देंगे, लेकिन सिंसियरिटी बच्चों को चाहिए, आप लोगों को सिंसियरिटी चाहिए कि क्लासेस सब आप लोगों को अटेंड करना चाहिए। और एक चीज़ और मैं ये कहना चाहूँगा, स्ट्रेस देना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो ये है कि नॉलेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट, इन डेप्थ नॉलेज, चाहे वो मशीन की हो, चाहे वो मैन की हो, चाहे वो मटेरियल की हो, है ना। ये सब आप लोगों का भी जो है, जैसे उसमें मैनेजमेंट का भी एक पेपर होता होगा, उसमें ये सारी चीज़ें होती होंगी कि अगर आपको कोई नई इंडस्ट्री लगानी है, कोई प्रोजेक्ट डेवलप करना है, तो हम कैसे उसको इस्टेब्लिश करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं
जो हम कंसीडर करेंगे कि हमको इंडस्ट्री कहाँ पे लगानी है, कहाँ पे सूटेबल है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आप लोग अलर्ट रहिए, घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो हो गया हो गया, और आप लोग फाइनल ईयर पास कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर फर्स्ट ईयर में हैं जो बच्चे, तो फर्स्ट ईयर में है तो अभी से उस चीज़ के ऊपर में ध्यान रखें और गाइडेंस भी लेते रहें कि सर क्या हो सकता है, हम लोग कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन परफॉर्म इन अ बेटर वे। तो उसमें नॉलेज जो है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो फिज़िक्स हो। फर्स्ट ईयर में आपके सारे जो जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, अब जो हाई स्कूल के बच्चे आएंगे जो डायरेक्ट आते हैं, उनको ज़रा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अब यहाँ पे कैलकुलेशंस वगैरह सब जो जब समझ में आएंगी तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी उनको होती है। हमने भी जब डिप्लोमा किया तो हमारे साथ में दो हाई स्कूल के बच्चे थे जो दोनों छोड़ के भाग गए फर्स्ट ईयर के बाद में ही, दे लेफ्ट द कोर्स। और बीएससी वाले भी किए हुए थे हमारे यहाँ पे, बीएससी वाले थे तो बहुत अच्छे थे वो लोग, परफॉर्मेंस भी अच्छा था, और उनका एंड और जो अप्रिशिएट मतलब एंटिसिपेट भी करते थे, जो भी चीज़ है जो पढ़ाई जा रही है उसको सबको एंटिसिपेट करते थे कि हाँ कैसे करना, क्या करना है, अच्छे से अच्छे कैसे करना है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब जैसे डिप्लोमा मैंने किया 70 में, और उसके बाद मैंने जॉब किया 79 तक, जॉब तो थ्रू आउट किया है लेकिन 77 में फिर मैंने बीटेक में एडमिशन लिया ऑन जॉब। तो कानपुर में जेके कॉटन मिल बहुत अच्छी कंपनी थी, रिनाउंड थी, और उसमें फिर मैंने ज्वाइन किया था। तो समझ लीजिए कि अगर मेरी मॉर्निंग शिफ्ट होती थी तो मैं सेकेंड शिफ्ट मतलब मॉर्निंग शिफ्ट छूटता था तो सेकेंड हाफ जो है वो इंस्टीट्यूट जाता था। मेरे पास में बाइक थी तो वहाँ से छूटे सीधे फैक्ट्री से छूटे सीधे इंस्टीट्यूट गए, और इंस्टीट्यूट में सेकेंड हाफ में जो भी पीरियड होते थे प्रैक्टिकल वगैरह सारे अटेंड करता था। नाइट शिफ्ट जब होती थी तो नाइट शिफ्ट ख़त्म हुई, मॉर्निंग में आया घर पे, नाश्ता किया और बाइक उठाई और कॉलेज चले गए, पूरा फुल डे रहता था वहाँ पे। उसके बाद में जब सेकेंड शिफ्ट हुआ करती थी तो मॉर्निंग आवर्स में मॉर्निंग फर्स्ट हाफ वो सारे पीरियड अटेंड करते थे, मतलब सिंसियरली किया। तो ये कहने का मतलब है मेरा कि अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी में भी हैं, तो कॉलेज तो बराबर जाइए। कॉलेज बराबर जाने से क्या होगा, एक तो आपका टेम्परामेंट बना रहेगा, आप उसी मोड में रहेंगे, है ना, लर्निंग मोड में रहेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अपने को हमेशा मोटिवेटेड रखिए, और नॉलेज जहाँ से भी मिले, सपोज करिए आप इस टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं या टेक्सटाइल केमिस्ट्री से कर रहे हैं या टेक्सटाइल डिज़ाइन एंड प्रिंटिंग से कर रहे हैं, वॉट सो एवर कोर्सेज, आप ये मत सोचो कि हमारे लिए अगर हमने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में किया तो ओपनिंग नहीं है। ओपनिंग सब जगह है, बहुत ओपनिंग है, बस ये है कि आपको अपना माइंड ओपन रखना है और अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ानी है। मार्केट वैल्यू बढ़ेगी कैसे, फर्स्ट ईयर से नहीं बढ़ेगी। आपने पास आउट कर लिया तो तुरंत आप समझो कि हमको जो है वाइट, देखिए एक तो पहली बात तो ये सोच लीजिए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वाइट कॉलर जॉब नहीं है। आप वो सोच लीजिए अभी जो और जो ब्रांचेज में है वो, जैसे मान लीजिए ये कंप्यूटर में है, है ना, या आईटी सेक्टर से जो जाते हैं, तो उनको सेटिंग जॉब ज़रूर मिल जाएगा, बैठ के काम करने का मिल जाएगा, लेकिन जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है आपकी होगी वो उन लोगों की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो एक कन्फाइंड एटमॉस्फेयर में काम करते हैं, उनको अपना चेयर और टेबल मिल गई है, वहीं पे उनको अपना काम करना है, उनको बता दिया गया बस इतना काम करना है, और आपको इंडस्ट्री में काम करना है। आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप सपोज़ करिए पहली बार आप इंडस्ट्री में एंटर हुए हैं तो दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आपके ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, वैसे वैसे आप देखोगे कि आपका सिर्फ टेक्निकल नॉलेज ही ज़रूरी नहीं है, नॉलेज ऑफ मैन एंड मटेरियल एंड मशीन एवरीथिंग, उसमें फिर आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट भी, मैकेनिकल डिपार्टमेंट भी, मशीन की जो मैकेनिकल परफॉर्मेंस है उसके बारे में भी सब सारी, जो मतलब ये कहना चाहिए कि नॉट ओनली वर्टिकल, यू हैव टू ग्रो हॉरिजॉन्टली ऑल्सो, है ना, ये चीज़ है। तो स्टूडेंट्स देखा आपने, सर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और साथ में आपको ये भी बता दिया है कि अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर कर रहे हैं तो उस समय उसमें आपको किस तरह से तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर की कहानी भी पहली बार सुन रहा हूँ मैं, और मैं ये सोच रहा हूँ कि जब 1970 के ज़माने में जब सर ने किया डिप्लोमा
और जबकि आमतौर पे आपने सुना होगा कि पुराने टाइम में बड़े आसानी से नौकरी मिल जाती थी, मतलब लोग नौकरियों का मतलब नौकरियां लोगों का वेट करती थी कि तुम पढ़ लिख लो बस आ जाओ, क्योंकि हमने अपने मम्मी पापा से यही सुना है। लेकिन सर की कहानी को देख करके लगता है कि इस वाले उसमें जो है वो जो सर बता रहे हैं तो इस टाइम पे भी जॉब में इतनी मतलब समस्या थी, हालांकि मिल गई वो एक अलग बात है, लेकिन जैसा सोच रहे थे उस हिसाब से नहीं मिली। तो इसलिए आप लोगों के सामने प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन आप लोग अपने आप को इस तरह से पॉलिश करें जैसे सर ने बताया, तो उम्मीद है कि आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगी जॉब। तो अब आगे सर ये बताइए कि कौन कौन सी कंपनीज जो फेमस हैं, मतलब इस तरह से जहाँ पर ये लोग अपना रिज्यूम दे सकते हैं या फिर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सर्च तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहली चीज़ तो यह कि टेक्सटाइल से रिलेटेड कितनी बॉडीज़ हैं हमारे यहाँ। जैसे यूपी में, हम लोग यूपी में बिलोंग करते हैं, तो अपना उत्तर प्रदेश का टेक्सटाइल एसोसिएशन एक ब्रांच है, और ऑल ओवर इंडिया एक टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये है, और उसके बाद में जो है वो स्टेट वाइज अलग अलग, जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र में है तो वहाँ पे अलग है ना, इस तरह का स्टेट वाइज अलग अलग अच्छा एसोसिएशंस हैं। उसी मतलब मेन जो है टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया टाई, और उसके सारे जो है वो सब डिविजन्स हो गए। इसका काम क्या होता है? इसका काम तो ये, तो एक तो इसमें जो बच्चे जो या जो भी मेंबर्स हैं अपना एनरोल कर लेते हैं, कुछ लाइफ मेंबर बन जाते हैं, कुछ उसमें पैटर्न मेंबर्स हो जाते हैं, तो वो एक एक वो कलेक्टिव बॉडी है जस्ट टू कीप योर सेल्फ अब्रेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स हैपनिंग इन द अच्छा टेक्सटाइल अच्छा वर्ल्ड। अच्छा 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 तो एक तो चीज़ ये हो गई, पैसा आप लोग जो भी बचाएंगे वो अपना ऐसा फंड उसको रखिए कि उसको नॉलेज में ही उसको पैसे को खर्च करना है, अपने मतलब टीम टाम पे, और मतलब जस्ट डोंट ट्राई टू बी एक्स्ट्रा वैगेंट, एक्स्ट्रावेगेंजा नहीं, फालतू में हमने खर्च कर दिया, हमने मोबाइल ले लिया, सारा अपना ज़रूरत भर का रखिए, जितना मोबाइल की ज़रूरत है उतना ही स्पेंड करिए, जितना लैपटॉप वगैरह लेना उसमें उतना ही स्पेंड करिए जितना ज़रूरत है, खाने पीने में भी उतना ही स्पेंड करिए जितना ज़रूरत है, बाकी सारा पैसा अपनी नॉलेज में लगाइए, बुक्स वगैरह लीजिए, टेक्सटाइल के जो फेयर्स होते हैं, टेक्सटाइल फेयर्स जो मेले होते हैं वो ज़रूर अटेंड कीजिए, और जैसे आपने टेक्सटाइल एसोसिएशन की मेंबरशिप ले ली तो उसमें भी इन लोगों की मीटिंग्स वगैरह होती हैं, एनुअल मीटिंग्स होती हैं, गैदरिंग्स होती हैं, उसमें ज़रूर जाइए। तो इससे फ़ायदा आपको ये मिलेगा, एक तो आपका झिझक छूट जाएगी, हेजिटेशन ख़त्म हो जाएगा, और सब लोगों से जानकारी हो जाएगी। इसमें मुझे लगता है कुछ सीनियर्स भी आते होंगे, कुछ बिल्कुल 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 सब इंडस्ट्री के आते हैं। लोग हाँ आते बिल्कुल होंगे। आते हैं, बिल्कुल आते हैं अच्छा बहुत। अच्छा हाँ, तो ये इसमें सदस्यता जो लेंगे वो ऑनलाइन हो जाएगा या फिर ऑनलाइन, अब आजकल तो ऑनलाइन का ही अच्छा ज़माना है, अच्छा अच्छा वो पेमेंट होता है उसका, जो पेमेंट देना होगा वो अपना दे दीजिएगा, ठीक। तो बहुत अच्छी इसका चीज़ है, इसका मतलब लिंक वगैरह कुछ मिल सकता सब है सब कहीं मिल से? जाएगा। अब तो ये चलिए। सब उसकी वो वेबसाइट है, आप टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया आप डालेंगे आ जाएगा। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा बिल्कुल, तो स्टूडेंट्स देख लीजिए इस बात को भी आप कर लीजिए कि ये जो सर बता रहे हैं कि ये फेयर्स में जाइए और ये एसोसिएशन जो है इसमें आप इनरोल ज़रूर करा लीजिए, ताकि इससे आपको जो है वो पता लगता रहे कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्री है, कहाँ कहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। मिलेंगे जुलेंगे जब इस तरह के लोगों में उठेंगे बैठेंगे तभी आपको पता लगेगा, अदरवाइज़ जो है वो आप पढ़ते होंगे तो सिविल मैकेनिकल और उन बच्चों के साथ पढ़ते होंगे तो उनसे जो डिस्कशन होता नहीं होगा इस तरह का, क्योंकि पहली बार आप इस टेक्सटाइल के उसमें फील्ड में आए हैं। तो इसलिए आप इन संस्थाओं में इनरोल करें। और जो जो फेयर्स बता रहे हैं, फेयर ये कहाँ लगते होंगे लगभग फेयर सर? से भी लगता है, जैसे बॉम्बे में भी लगता है, अच्छा। बॉम्बे में तो जनरली लगता ही लगता है, और अब तो हाँ नवंबर अब तो निकल गया होगा मेरे ख्याल से, प्रगति मैदान में दिल्ली में? जो दिल्ली अच्छा में इंडस्ट्रियल ट्रेड फेयर लगता हाँ हाँ है, हाँ ट्रेड तो फेयर। ट्रेड फेयर्स कहीं भी आपको पता चले तो आप जरूर अटेंड कीजिए, और वो अच्छा जो इंडस्ट्रियल ट्रेड फेयर दिल्ली में लगता है ये तो जरूर मस्ट है, ये करना अच्छा चाहिए, अच्छा अच्छा क्योंकि अच्छा उसमें बहुत सारे मशीनरी मैन्युफैक्चरर आते हैं, सब लोग आते रहते हैं, जॉब रिक्वायरमेंट और ये तो सब जॉब पहले रिक्वायरमेंट जरूर भी, होती और होगी। नहीं कुछ है तो फिर आपको नॉलेज तो मिल रही है नॉलेज ना, मिल रही नॉलेज है। मिल रही है कहाँ कहाँ कौन सी इंडस्ट्री में कौन से कंट्री में हमारा माल जाता है, एक्सपोर्ट होता हम लोग करते हैं। अच्छा दूसरी चीज़ और ये है कि देखिए हम लोगों का प्रोडक्ट, हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं, एक तो यार्न हो सकता है, सिंपल यार्न हो गया है ना, यार्न के बारे में आपको पूरा मालूम होना चाहिए, उसका क्वालिटी, यार्न का काउंट क्या होता है। अभी मैंने जब भी मैं जाता हूँ कॉपी इवेल्यूशन में तो हमने देखा है कोई प्रॉपर नॉलेज है नहीं किसी को भी, थोड़ा सा वो करते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए इंग्लिश काउंट है उसका नंबरिंग सिस्टम, तो वो भी पूरा पूरा नहीं बता पाते, जबकि डेफिनेशन जो है ये आपको रटी होनी चाहिए बाई वर्ड। अगर काउंट हमने वो पूछ लिया आपसे कि
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नंबरिंग ऑफ यार्न, तो भले आप एक एक बताओ, भले आप इंग्लिश काउंट भी बताओ, लेकिन उसको मतलब डेफिनेशन, और अगर हम आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं उसको फिर घुमा घुमा के पूछें, देन यू मस्ट बी एबल टू टेल ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट। तो ये चीज़ है। अब मशीन का है, मशीन के बारे में, मशीन का फंक्शन कैसे क्या होता है। अगर वीविंग का है तो मान लीजिए वीविंग में बेसिक फंक्शंस क्या हैं, और उसके बाद में सेकेंडरी फंक्शंस उसके क्या होते हैं, है ना, ये सब चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे आ जाएगा। मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग हताश हो जाएं, या मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है, और ना ऐसा भी, आप लोग खेल खेल में पढ़ सकते हैं, खेल खेल में सीख जाएंगे, बहुत अच्छे मोड में सीख जाएंगे, है ना। बस उसको ये मत सोचो कि ये हवा है, मतलब ये पहाड़ जैसा है, कैसे होगा, कैसे सीखेंगे, कैसे क्या करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर इंडस्ट्री में आप करते हैं तो वहाँ पे आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि हम हाथ से भी काम कर लेंगे। अगर फिटर लगे हुए हैं किसी मशीन को रिपेयर करने में, कोई ऊपर से ना कहे तो भी आप अपना खुद इंटरेस्ट लेके आप कर लीजिए। हम पहली बार जब वहाँ भीलवाड़ा में थे, मेरा पहला अपॉइंटमेंट जो हुआ था RSWM राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स भीलवाड़ा, तो वहाँ से 3 साल जॉब करने के बाद मुझे कानपुर इसलिए आना पड़ा, मेरे फादर की तबीयत बहुत ख़राब थी और वो लोग हमें छोड़ नहीं रहे थे। तो फादर की तबीयत ऐसा था, उनको पेप्टिक अल्सर था और एवरी नाउ एंड देन ही वॉज गेटिंग सिक। तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं छुट्टी आया और जैसे ही वहाँ पहुँचा, एक महीने के बाद मालूम पड़ा कि उनकी तबीयत ख़राब है, टेलीग्राम पहुँच गया। 1973 में फ़ोन ऑन नहीं हुआ करते थे, है ना, टेलीग्राम ही जाता था, और टेलीग्राम जाने का मतलब है समझ लीजिए कि पता नहीं क्या हो गया हो। तो एक दो बार ऐसा हुआ कि मतलब मैं रास्ते भर ये मनाते हुए आया कि हमको फादर मिल जाए। फिर हमने लास्ट टाइम हमने फिर यही सोचा कि नहीं, अब मुझे यहाँ पे करना नहीं है, मैं कानपुर ही रहूँगा, मेरा नेटिव प्लेस कानपुर ही था। तो वो हमारे जो वहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर थे तो वो कह रहे थे कि नहीं आप जाओ नहीं, और ये हमारी नई यूनिट आ रही है, मैं उसमें आपको ट्रांसफ़र कर दूँगा। गुलाबपुरा में नई यूनिट है, वो जो भीलवाड़ा वाली यूनिट थी RSWM, वो अब स्क्रैप हो चुकी है। तो वो बोले कि 6 महीने की आप छुट्टी ले लो। हमने कहा सर 6 महीने छुट्टी ले लेंगे, उसके बाद भी फिर वही पोजीशन बनी रहेगी। तो इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, तो कहने लगे अच्छा ठीक है जाइए। तो अब ये समझ लीजिए कि वहाँ पे जब मैंने इंटरव्यू दिया तो हमारे वहाँ पे जो मिस्टर जैन अग्रवाल थे इंटरव्यू ले रहे थे, तो बोले हमसे पूछने लग गए हैव यू वर्क विद योर ओन हैंड्स। तो हम लोग तो देखो निकलते हैं तो हम लोग तो मतलब एज ए सुपरवाइजर लगते हैं ना वहाँ पे, तो हम लोग फिटर विटर तो लगते नहीं हैं। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है इंटरव्यूअर जो है, आप ये मत सोचो कि उन्होंने ये पूछ लिया या ये पूछ लिया, ये यू हैव टू बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट इज कमिंग टू यू। तब उन्होंने हमसे पूछा, अब हमको मतलब ये आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रखना इंटरव्यू देते समय, है ना। तो अब अटेंडम मैं तो रेडी था नहीं इस क्वेश्चन के लिए, और ना हमने हाथ से काम किया हुआ। लेकिन मैंने उनसे ये कहा कि सर वी आर नॉट सपोज टू डू इट, एंड सो फार आई हैवेंट कम अक्रॉस सच काइंड ऑफ अ सिचुएशन, लेकिन अगर कोई ऐसी बात आती है एंड फिटर्स आर नॉट एबल टू डू इट, देन आई एम रेडी टू डू इट, आई कैन डू इट। तो मतलब कॉन्फिडेंस भी आपने अपना जता दिया, और गलत भी नहीं बोला, सही बोला, सही बात है। तो ये है कि आप लोगों को मैं ये कहूँगा, छोटा बड़ा कोई काम मत समझो। अच्छा जॉब जहाँ भी मिले टाइम वेस्ट किए बिना आप ये मत सोचो कि वो हमको वहाँ पे पैकेज कम मिल रहा था, क्या मिल रहा था, क्या नहीं मिल रहा था। जॉब आपको जैसे ही मिले अपॉर्चुनिटी आप तुरंत ग्रैब करो उसको, डोंट लीव इट, है ना। और क्योंकि टेक्सटाइल में जितना आप करते रहोगे तो रवा रहोगे, जैसे लोहा होता है, लोहा अगर बाहर पड़ा हुआ है तो जंग लग जाएगा, तो जितनी देर आप खाली रहोगे तो जंग लग जाएगा, जितनी नॉलेज है वो भी ख़त्म हो जाएगी। एक मैं आपको इंस्टेंस बता रहा हूँ, 3 लड़के ऐसे थे जो फरखाबाद पॉलीटेक्निक के थे, और उसमें से एक को मैं जानता था, तो नाम बता दूँ, बता देना ठीक है, कोई मतलब उसकी मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की। तो वो अच्छा लड़का था, अंकित करके था, तो उसने कहा कि सर 2 लड़के और हैं हमारे साथ के, उनका भी करवा दीजिए। तो वो उन्नाव में एक हिलटेक्स इंडस्ट्रीज़ है, तो मैं वहाँ पे कंसल्टेंट था, तो मैंने उनसे बोला, जो वहाँ पे मिस्टर राजीव भरतिया जी थे जो ओनर हैं उसके, तो कहने लगे ठीक है बुला लीजिए इंटरव्यू के लिए। तो तीनों को हमने बुलाया, तो इंटरव्यू उन्होंने अकेले लिया, मैं नहीं था उसमें। फिर बाद में उन्होंने बताया कि सर ये कैसे लड़के हैं। इससे मैंने पूछा कि रीड पिक क्या होता है,
वार्प वेफ्ट क्या होता है, एंड पिक क्या होता है, वो कह रहे हैं कि हमको पढ़ाया ही नहीं गया। तो हमने कहा कि सॉरी सर, मैं पहले तो अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा नहीं करता। तो खैर वो जो अंकित लड़का था कहने लगे अंकित जो है ये ही इज़ फार बेटर देन दैट, तो उसने कैलकुलेशन भी करके बताई, तो उसको उन्होंने रख लिया। अब रख लिया तो उसके एक दो महीने के ज्वाइनिंग के बाद में मैं वहाँ पे नहीं था, मैं छोड़ गया था वहाँ से। तो मैं ऐसे हाल चाल जरूर लेता रहता हूँ बच्चों के जिनको लगवाता हूँ कुछ। तो उसने अंकित ने बोला कि सर इन्होंने हमको उसमें रोलिंग में लगा दिया है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, वो जो है स्पिनिंग कंपोजिट यूनिट थी। कंपोजिट यूनिट अगर आप लोग समझते हैं कि नहीं समझते मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बता देता हूँ। कंपोजिट यूनिट का मतलब ये है कि स्पिनिंग भी होती है, वीविंग भी होती है और प्रोसेसिंग भी होती है, ऑल इन वन कंपास, है ना, पूरे एक उसमें। तो हमने उसको ये बोला, हमने कहा रोलिंग में लगा दिया कोई बात नहीं। रोलिंग का मतलब है जहाँ कपड़ा जो है बन के तैयार हो करके और जब फाइनल पैकिंग में जाता है, चेकिंग वैकिंग होने के बाद में पैकिंग में जाता है, फिर वहाँ पे रोल हो करके और वो फाइनल पैकिंग बन जाती है। और अच्छा, ये जो इंडस्ट्री थी ये एक्सपोर्टर्स हैं और गवर्नमेंट ऑर्डर सप्लायर्स हैं, डिफेंस के सप्लायर हैं, बहुत अच्छा यूनिट है वो। तो वो कहने लगा सर रोलिंग में लगा दिया, हमें अच्छा नहीं लग रहा। हमने कहा बहुत अच्छा हुआ कि तुमको रोलिंग में लगा दिया, तुम्हें जहाँ जहाँ घुमाए तुम वहाँ वहाँ जाओ। ये उससे क्या होता है, तुम्हें एक तो सारे डिपार्टमेंट्स की नॉलेज हो गई, सारे डिपार्टमेंट्स की नॉलेज हो गई, और दूसरा मैनेजमेंट जो है आपके ऊपर निर्भर हो गया, है ना, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट हो गया कि अरे ये अंकित इसको जहाँ बताते हैं चला जाता है। तो मतलब हमारा नेचर भी ऐसा होना चाहिए कि हम अपने मालिक को इन्फ्लुएंस भी करें, तो हमारा लॉन्ग टर्म वो बेनिफिट हमको ही मिलेगा, उसको तो मिलेगा मिलेगा, हमको भी मिलेगा। तो खैर वो एक साल उसने जॉब किया, फिर उसने छोड़ दिया वहाँ से। तो हमको बहुत कष्ट हुआ, फिर उसका फ़ोन आया मेरे पास में, तो हमने बताया, हमने कहा बेटा ये तुमने अच्छा ठीक नहीं किया, खैर अब तुम्हारी मर्जी है जैसा भी है। तो ये मैं आपसे आप लोगों से सबसे यही कहना चाहूँगा। और दूसरा चीज़, एक तो ये होम सिकनेस नहीं होनी चाहिए, है ना, कि हम यहीं पर हैं तो हमको बरेली में ही मिल जाए, हमको कानपुर में ही मिल जाए, ये होम सिकनेस मत रखो, उसमें हमारा ही नुकसान होगा। ऑल ओवर इंडिया जहाँ तुमको जाने का मौका मिले आप वहाँ जाओ। अब वहाँ जाने से आपको एडवांटेज क्या मिलेगा बताओ। आप सपोज़ करो यूपी को बिलोंग करते हो और आपको आंध्रा में जॉब मिल रही है, दौड़ के जाओ। हमारी तो एज इतनी हो गई, अभी हमको कोई बोलेगा कि अंडमान निकोबार हम भेज दें आपको, चले जाओगे, हम कहाँ चले जाएंगे। तो उसमें आपको एडवांटेज क्या है। ऐसे हम लोग अगर घूमने जाते हैं, सपोज़ करो आप हैदराबाद घूमने गए या बेंगलोर घूमने गए, तो आप खर्चा करोगे, आने जाने का खर्चा करोगे, रहने का खर्चा करोगे। और अगर वहाँ जॉब कर रहे हो तो जॉब भी कर रहे हो, तुम्हें घूमने को भी मिल रहा है, यू गेटिंग द पॉकेट मनी एंड ऑल दैट एक्सपेंसेस यू आर बियरिंग। और तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी सर ने जो बताया कि सर का जो है वो टेम्परामेंट जो है वो मैंने भी देखा है, कि अगर मेरे से कोई कह दे कि अगर यहाँ बरेली से बदायूं भी जाना है तो मुझे दो दिन प्लानिंग में लग जाते हैं, लेकिन सर ने मेरी आंखों के सामने, अभी सर से करीब 3-4 साल से परिचय है और मैं देखता हूँ कि शायद बहेड़ी में भी आपने पढ़ाया है, आपने फरुखाबाद में पढ़ाया है, इलाहाबाद महिला पॉलिटेक्निक में भी पढ़ाया है, कानपुर में भी पढ़ाया है, और डिबाई बुलंदशहर में भी पढ़ाया है। वहाँ के बच्चे भी अगर देख रहे होंगे जानते होंगे। और ये यहाँ पे समदा सहसवान इसमें पढ़ाया था, अच्छा, नहीं था, अच्छा, अभी गए थे, हाँ, गए थे। लेकिन मेरे लिए तो जैसे मेरी हिम्मत कभी नहीं पड़ती इस तरह से ज़्यादा ट्रैवलिंग की, लेकिन सर जो है वो इस एज में भी और इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं। तो हम भी अक्सर बात करते हैं अपने घर में कि कैसे ये चले जाते हैं, कैसे कितना मतलब इनका वो है स्टेमिना। तो ये तो खैर हो गई बात। और बाकी कुछ यूपी में आसपास की कुछ कंपनियों के नाम, जैसे आपने अभी उन्नाव में बताया, इस तरह की कुछ उन्नाव में है। देखिए एक तो अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, आप लोग जैसे आप लोगों के जो फ्रेंड सर्कल होता है ना, तो जैसे मैं फरुखाबाद में जब फर्स्ट लेक्चर मैंने दिया था तो उस समय अटेंडेंस लेते लेते हमको फौरन वहीं पे फ्लैश किया कि बच्चों को सबको एक दूसरे के बारे में टेक्सटाइल इंडस्ट्री से संबंधित, जैसे मान लीजिए बरेली के कोई बच्चे हैं, बरेली के कुछ बच्चे मान लो जौनपुर पॉलिटेक्निक पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, या कोई कानपुर में पढ़ रहे हैं, कुछ फरुखाबाद में पढ़ रहे हैं, कुछ बिजनौर में पढ़ रहे हैं, कुछ अलीगढ़ में पढ़ रहे हैं, कोई कहीं भी पढ़ रहे हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, बट वो एक ही डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो बाय कोइंसिडेंस आप लोग जान सकते हैं, हो सकता है बाय कोइंसिडेंस, नॉट नेसेसरी दैट ऑल ऑफ यू आर नोइंग ईच अदर।
टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी बच्चे हैं, भले वो फैशन डिजाइनिंग के हों, भले वो टेलरिंग के हों, भले वो टेक्नोलॉजी के हों, भले वो होम साइंस के हों, क्यों, क्योंकि होम साइंस में भी टेक्सटाइल एक सब्जेक्ट होता है। अच्छा अच्छा, है ना। तो ये सब अगर आप लोग आपस में जानते होंगे तो कहीं भी आप जॉब कर रहे होंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपका ये होगा कि हम अपनी भी कोई इंडस्ट्री लगाएं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ये जरूर आपके अंदर में होना चाहिए, ख्वाहिश होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आप नौकरी, आप आगे चल के 8-10 साल के बाद में ये मत सोचो कि हम नौकरी ही जिंदगी भर करते रहेंगे, नहीं ना, आप नौकरी देने के लायक भी बन सकते हो, बन सकते हो और बने हैं। 8-10 बच्चे मिलकर के अपना एक पैसा अपना, लगा, हाँ, करके लगा सकते और शुरू कर सकते हैं और बाकी अपने जूनियर्स को हेल्प कर सकते हैं। और सर ने जो बात बताई है कि आप लोगों को परिचित होना चाहिए, तो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि हम जो है वो इस वीडियो के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे जिसमें सारे टेक्सटाइल के बच्चे ऐड हो जाएंगे, चाहे वो यूपी के किसी भी पॉलीटेक्निक के हों, और उस ग्रुप में सर को भी ऐड करके एडमिन बना देंगे हम। तो आप लोगों की ये ड्यूटी रहेगी कि आप लोगों को मुझे मैसेज करना है, व्हाट्सएप कई बच्चों के पास नंबर है और मैं उनको ऐड करके एडमिन बना दूंगा बच्चों को, और वो लोग अपने कॉलेज के एडमिन वो टेक्सटाइल के बच्चों को ऐड करके और एक ग्रुप बना लें, जिससे कि सर अगर कोई एडवाइस दें या किसी कोई कंपनी में जॉब निकलती है, क्योंकि सर ने कई सारी कंपनीज़ को विज़िट किया है, तो कभी कहीं रिक्वायरमेंट होती, कभी कहीं रिक्वायरमेंट होती है, तो वो रिक्वायरमेंट वो वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। या आप लोगों से एकदम से कोई डेटा लेना है कि हाँ भी कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं, तो आप लोगों को ग्रुप में एक टेक्सटाइल के बच्चों का ही ग्रुप बना दूंगा मैं। और लिंक मैं इसलिए नहीं दूंगा इस ग्रुप, इस वीडियो में, क्योंकि लिंक देने से फिर ये होता है अनवांटेड लोग घुस जाते हैं, जो जिनका मतलब भी नहीं है उस ग्रुप से वो घुस जाते हैं। तो फिर ग्रुप में चाहते हैं कि 512 लोगों की लिमिट है, तो 512 टेक्सटाइल के ही बच्चे रहें, तो चाहे फरुखाबाद पॉलीटेक्निक हों, चाहे बहेड़ी के हों, चाहे सीतापुर अलिया या महिला पॉलीटेक्निक इलाहाबाद में भी है, टेक्सटाइल में है, बनारस में भी, बनारस में भी है, जहाँ जहाँ भी टेक्सटाइल के बच्चे हैं वो ये वीडियो अगर देख रहे हैं, तो उनका पहला काम है इस वीडियो को शेयर करें टेक्सटाइल के बच्चों में, और साथ ही साथ वहाँ के बच्चे व्हाट्सएप करें मुझे 7376292424, ये मेरा नंबर है, इस पर अपना नाम, ब्रांच और कॉलेज का नाम और सेमेस्टर लिख करके व्हाट्सएप करें, हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे। फिर आपकी ड्यूटी रहेगी कि आप अपने कॉलेज के सभी बच्चों को ऐड करेंगे उसमें, और हम सर को उसमें एडमिन भी बना देंगे, तो आप जो है सर से डायरेक्टली जो है कन्वर्सेशन कर सकते हैं, या सर के पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी होगी तो आपको, या कोई रेफरेंस कहीं देना होगा तो वो सीधे उस ग्रुप में डाल देंगे, जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे वो वहाँ पर जा करके अपना रिज्यूम या जो भी देना है, जो भी प्रोसीजर होगा जैसा सर बताएंगे वो लोग वो कर सकते हैं। तो इतना काम हम आप लोगों के लिए कर देंगे, तो उम्मीद है इससे थोड़ा सा बेटरमेंट या थोड़ा सा आसान आपको लगेगा जॉब सर्च करना। इतना मैं और कहना चाहूँगा कि अपनी जैसे जब आपको इन डेप्थ नॉलेज होगी सब पूरा, जैसे प्रोडक्शन पैरामीटर्स हैं, मशीन में क्या पैरामीटर्स हैं, और मशीन में मतलब प्रोडक्शन की एफिशिएंसी, मशीन एफिशिएंसी, मैन एफिशिएंसी, सब लोगों की एफिशिएंसी काउंट करती है, नॉट ओनली मशीन एफिशिएंसी, है ना। तो उसमें ये सब चीज़ें होने के साथ में आप अपनी मार्केट वैल्यू कैसे बनाएंगे, इस चीज़ पे ध्यान रखिए, मार्केट वैल्यू कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, तो ये सब चीज़ें। और अब तो नेट पे इतना बढ़िया चीज़ है कि आपको मार्केट वैल्यू समझनी है, मार्केट वैल्यू ऑफ अ टेक्सटाइल इंजीनियर, आप ये टाइप करोगे तो आ जाएंगे उसमें लिंक्स, आ जाएंगे कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं, तो ये सब आप लोगों को सोचने का एक जरिया बनेगा, सोचने का डायरेक्शन मिलेगा आपको, है ना। अच्छा, इसमें कैंपस सिलेक्शन वगैरह नहीं होते हैं? कैंपस होते हैं। आप जैसे मान लीजिए कि पॉलीटेक्निक्स का है मेन, तो जैसे कानपुर में ही होता है। अच्छा अच्छा, है ना, और भी कहीं कहीं आ जाते हैं, लेकिन उसके लिए जो है फिर उनको इनवाइट करने के लिए तो जो प्लेसमेंट देखते हैं उन लोगों का वो होना चाहिए। अच्छा, लेकिन जैसे टेक्सटाइल की कंपनी जाती कम है शायद, मुझे लगता है। नहीं, कंपनी तो बहुत है। अच्छा, तो या तो बच्चे ज़्यादा मिलते नहीं एक जगह, इसलिए हो सकता है वो इंटरेस्ट ना दिखाती हूँ, जैसे एक कॉलेज में 60-70 बच्चे होंगे। वो भी बात है, फिर वो लोग कैंपस वाले ये सोचते हैं ना कि हम ऐसी जगह जाएंगे, मिल वाले, कि ऐसी जगह जाएंगे जहाँ के हमको बल्क में मिल जाए, और उसमें से उनको सिलेक्शन भी इजी हो जाता है। ठीक ठीक, हाँ। अब एक कॉलेज में गए तो 70 बच्चे मिले, उसमें से क्या वो सर्च करेंगे,
तो ये वजह भी हो सकती है जो कंपनियां इंटरेस्ट नहीं दिखाती हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ये लोग रिज्यूम अपना दे सकते हैं वहां पे जाकर। हाँ, रिज्यूम तो दे सकते हैं, रिज्यूम दे सकते हैं। कुछ कंपनियों के नाम रह गए थे मतलब बताने के लिए। अब जैसे आपको मतलब जैसे मेन सेंटर जो है लुधियाना हो गया है ना, राजस्थान में भीलवाड़ा हो गया, उदयपुर भी है, तो और तो इधर गुजरात वगैरह जाएंगे वहां भी है, आंध्रा में जाएंगे वहां भी, एक से एक कंपनियां हैं, ऐसी बात नहीं है, हैदराबाद में है। गूगल पे सर्च करके मिल जाएगी लिस्ट, में सर्च करके मिल जाएंगे आपको, मिल जाएंगी लिस्ट की टॉप टेक्सटाइल कंपनीज। बिल्कुल, हाँ ऐसे करके मिल जाए। हाँ, इस तरह से आप सर्च करिए, एचआर के नंबर हो सकता है आपका मेल एचआर का मिल जाए वहां पे, तो आप उनको ईमेल कर सकते हैं अपना रिज्यूम अगर बहुत दूर है तो, उसमें भी आपको अगर क्वालिटी होगी तो शॉर्टलिस्ट करके बुलाया जा सकता है। लेकिन फिर से वही कहना चाहेंगे कि अच्छी जॉब अगर चाहते हैं आप तो अच्छा पढ़ें, उसके लिए अच्छी नॉलेज गेन करें, आप कॉलेज जाएं कम से कम 8 के 8 लेक्चर पूरा वहाँ बैठने की कोशिश करें, भले ही कोई क्लास खाली है या नहीं खाली है, आप अपनी सेल्फ स्टडी करें, ठीक है ना। क्योंकि अगर देखा जाता है, मैं खुद ही देखता हूँ कि टीचर क्लास से निकला नहीं कि आप लोग बात करना स्टार्ट कर देते हो, तो ये चीज़ आपकी इनसिंसियरिटी को शो करती है। अगर कोई लेक्चर खाली है तो आप अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, आप उस टाइम पर सेल्फ स्टडी करो। इससे ये नहीं होता कि अगर कोई क्लास नहीं लग रही है तो आप उस दिन कॉलेज ही नहीं जाएंगे या फिर भाग जाएंगे लंच से पहले, या इस तरह की चीज़ें जो भी देखी जाती हैं कभी कभी, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करें। 8 घंटे जब पढ़ेंगे तभी 8 घंटे की जॉब भी कर पाएंगे लगातार, नहीं तो फिर वो आपको ऊब लगने लगेगी वहाँ पे। और शुरू का 1-2 साल में आप ये मत देखिए कि क्या सैलरी है क्या है, केवल आप एक्सपीरियंस गेन करिए, और उसके बाद रहते रहते जब उस फील्ड में चले जाएंगे फिर आप स्विच करिए किसी अच्छी कंपनी में, तब आपको नॉलेज भी हो जाएगी, आप जैसे ही कई लोग जॉब कर रहे होंगे वहाँ पर तब आपको ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यही सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अब इसमें आप ये समझ लीजिए कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वाली पॉइंट जो है मैंने इसलिए और आईएमईडी शायद सब्जेक्ट होता है इनका, आईएमईडी शायद सब्जेक्ट इसीलिए होता है वो एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट। हाँ, मैनेजमेंट से संबंधित होगा, जरूर होगा। इसमें मैं बता दूं एक आपको, फरखाबाद के मिस्टर संसारनाथ कटियार, संसारनाथ कटियार फरखाबाद पॉलिटेक्निक के पास आउट है, डिप्लोमा किया है, और उन्होंने शुरू में तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जॉब किया, वो कोई रिलायंस ग्रुप है नेपाल में वहां भी रह के आए हैं, स्पिनिंग इंडस्ट्री में ही किया उन्होंने, उसके 8-10 साल उन्होंने जॉब किया होगा। अब उन्होंने एक अपनी निटिंग की इंडस्ट्री लगाई है लुधियाना में, वो भी कम नहीं है, मतलब मैं समझता हूँ 8-10 साल उसको भी हो गए लगे हुए। और उनके यहाँ पे पिछली बार जब मेरी बात हुई थी तो ही इज हैविंग 60 वर्कर्स अच्छा, अपनी इंडस्ट्री अच्छा, में। और वो सब ये बनाते हैं आपका निटवियर बनाते हैं, जैसे अपना टी शर्ट्स वगैरह हैं और ये सब निटवियर बनाते हैं। और अच्छा, उनके पास में तो उनके कई लोग ऐसे हैं इन्वेस्टर्स जो कह रहे हैं कि हमारा 1,000,000 रुपया लगा दीजिए। अच्छा, हाँ अच्छा, बहुत बढ़िया उनका वो है रैपर्ट है। अब वो जो है ऑनलाइन भी अपना ये करते हैं, जैसे ये अमेजोन वगैरह क्या क्या है बता रहे थे कि ऑनलाइन भी हम अपना मार्केटिंग करते अच्छा, हैं तो अच्छा। ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे है ना, आप लोग बहुत आगे जा सकते हो। अरे आप लोग नहीं जाओगे तो कौन जाएगा, आप लोग ऊपर तो पूरा देश निर्भर है। टेक्सटाइल में वैसे ही कम वो सीटें हैं, तो कम बच्चे जब पढ़ के निकलेंगे अगर किसी ट्रेड से तो जाहिर सी बात है जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका मतलब जब जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है आपके लिए तो फिर नहीं आप ले पा रहे जॉब, तो इसका मतलब है आपके जो तैयारी है उसमें कोई कमी है। और एक बार आप निकलेंगे आगे किसी भी कंपनी में जाएंगे उसके बाद आपको राह खुद ही मिल जाएगी। और सबसे बढ़िया तो सर ने जैसे डिस्कस किया था अभी कि 10 बच्चे मिलकर के अगर एक कंपनी खोल दो अपने, तुम्हें काम करने के लिए तो अपने जूनियर ही मिल जाएंगे कॉलेज से। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, सही है। तो आप मतलब रोजगार दीजिए भी और वो उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो वो तो खैर बात की बातें हैं, लेकिन पहले आप खुद को इतना तैयार करिए इन 3 सालों में, और फिर उसके बाद कंपनी में जॉब करिए 1-2 साल, और फिर उसके बाद जो है वो ये सब चीज़ें सोचिए। तो मुझे लगता है कि वीडियो में सारा कुछ तो बता दिया गया है, और फिर भी अगर आपको कोई उम्मीद कोई क्वेश्चन आपकी क्वेरी है कि ये भी पूछना है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि सर से आंसर कर लेके और फिर आपको उस क्वेरी का समाधान निकालें। और जैसा मैंने बताया है वीडियो के बीच में कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए, तो आप इसके ऊपर लग जाइए और एक व्हाट्सएप ग्रुप तुरंत तैयार कर लीजिए, मैं सर को भी उसमें ऐड कर दूंगा। लेकिन आप लोग एक ध्यान रखा करिए कि जो नंबर अगर आपको मिल जाते हैं हमारे या सर के कभी, तो आप लोग कॉल मत किया करिए, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप लोग जो है व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दिया करिए, जब भी हम फ्री होंगे तो उसको देख लेंगे। इसलिए भी नंबर देने से मुझे लोग मना करते हैं कि आप अपने वीडियो में जो है नंबर मत देना मेरा, क्योंकि आप लोगों को ये मतलब देखा है मैंने कुछ अधीरता ज़्यादा होती है
जैसे अब वीडियो जैसे ही हमने बना दिया, इसमें आप जो जो चीज़ आपको मिल रही हैं आप उनसे अपने अंदर आत्मसात करें, फिर उसके बाद उसके हिसाब से कार्य करें। लेकिन बजाय इसके लोग जो है आप लोग सीधे कॉल उठा देते हो कि मेरा ये है, मेरा वो है, और ये कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ, कौन सी कंपनी में जाऊँ, क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो ये चीज़ें तो आपको यहाँ से एक वीडियो से प्रेरणा लेनी है। तो नंबर मेरा तो खैर वायरल हो ही गया है, तो मेरे को तो मैं तब भी मना करता रहता हूँ वीडियो में कि व्हाट्सएप पे आप लोग चैट करें, कांटेक्ट करें, कोई ज़रूर मतलब कई सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है और उसमें ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम आप कॉल कर रहे हैं उस टाइम पे हम फ्री हों। कई बार लेक्चर चल रहा होता है, कई बार कई चीज़ें चल रही होती हैं, तो इसलिए आप लोग व्हाट्सएप पे ही चैट करें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो मैं समझता हूँ कि सारी बातें हो चुकी हैं और मैं वीडियो के अंत में सर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे लिए और हम बच्चों के लिए समय निकाला। तो धन्यवाद सर, थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी। और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को थोड़ा सा इससे मनोबल बढ़ेगा आपका और जॉब जो है वो अच्छी पा पाएंगे। इसी उद्देश्य से की वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं। सर से हम 2-3 दिन से टाइम लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फाइनली आज टाइम मिल गया। और ठीक है, फिर आप लोगों से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।